हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जनरली जो आपकी छोटी मोटी गंदी आदतें हैं उन पे अप्लाई होता है, एडिक्शंस पे आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ जो आदतें हमारी होती हैं, जैसे कि ज़्यादा मीठा खाना या फिर ओवर ईटिंग करना, ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा प्रोकेस्टिनेशन करना, इन सब चीज़ों पे आप इस टेक्निक को अप्लाई कर पाएंगे। इवन आपकी सिगरेट भी आप पीते हैं, और अगर ओकेशनली आप पीते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्ट आप नहीं हैं, तो इवन सिगरेट्स में, ड्रग्स में, इनमें भी आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक को मैं बोलता हूँ रिप्लेसमेंट टेक्निक। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक बार एक न्यूरल लूप क्रिएट हो जाता है, एक न्यूरल सर्किट जब क्रिएट हो जाता है जिसमें हैबिट है, जिसमें ट्रिगर है, जिसमें बिहेवियर है और रिवॉर्ड है, ये लूप जब एक बार क्रिएट हो गया तो इस लूप को ब्रेक करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसको ब्रेक करने के बजाय अगर हम इसको रिप्लेस करने की कोशिश करें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हैबिट में हमने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिहेवियर की शुरुआत में ट्रिगर होता है और बिहेवियर के एंड में होता है रिवॉर्ड। तो आपका जो ब्रेन है वो अटैच रिवॉर्ड के साथ में है, उसका ट्रिगर से इतना अटैचमेंट नहीं है, उसका बिहेवियर से भी इतना अटैचमेंट नहीं है। आपके ब्रेन का जो अटैचमेंट है वो रिवॉर्ड से है। तो अगर सेम रिवॉर्ड ब्रेन को मिलता रहे लेकिन हम बिहेवियर चेंज कर दें तो आपके ब्रेन को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसे जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो रिवॉर्ड उसे मिल रहा है। इस वजह से इस टेक्निक को हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट टेक्निक। इसमें आप ट्रिगर सेम रखेंगे, आप रिवॉर्ड भी सेम रखेंगे, लेकिन बिहेवियर बदल देंगे। तो इससे होगा क्या, इससे नया सर्किट, एक नया लूप क्रिएट होगा। ट्रिगर से रिवॉर्ड पे पहुंचने का एक नया लूप आप क्रिएट कर लेंगे पुराने वाले को ब्रेक किए बिना, और जब कंसिस्टेंटली नए लूप को आप रन करेंगे तो थोड़े समय में पुराना वाला लूप अपने आप बंद हो जाएगा और नया वाला लूप कंटिन्यू रहेगा। एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, आपको शुगर क्रेविंग होती है, तो ट्रिगर क्या हुआ, शुगर या कुछ मीठा खाने का, आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं और एकदम से आपको एक स्पाइक चाहिए अपनी ब्लड में, आपको शुगर डालनी है और एक स्पाइक ऑफ एनर्जी आप महसूस करना चाहते हैं। तो ये जो ट्रिगर आया, क्रेविंग का ट्रिगर आपके अंदर आया, ये ट्रिगर हमने एज इट इज़ रखा। अभी आप क्या कर रहे थे, बिहेवियर आप ये कर रहे थे कि पेस्ट्री, कुकी या फिर जो मीठी चीज़ें हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं वो चीज़ें आप खा रहे थे, वो बिहेवियर था, और वो करने से आपको रिजल्ट क्या मिल रहा था, रिवॉर्ड था, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो रही थी एंड यू वर फीलिंग अमेजिंग आफ्टर दैट। तो अभी हम क्या करेंगे कि ट्रिगर वही है, क्रेविंग, आपको क्रेविंग हो रही है शुगर खाने की, लेकिन अब बिहेवियर हम बदल देंगे। आप मीठे का सोर्स कोई पेस्ट्री या केक या फिर ऐसी चीज़ नहीं रखेंगे जो आपके लिए हार्मफुल है। इसकी जगह सपोज आपने बनाना रख दिया, यू कैन इंस्टेड ऑफ चॉकलेट यू कीप बनाना, इंस्टेड ऑफ चॉकलेट यू कीप सम स्वीट फ्रूट, और यू कैन कीप डेट्स एज वेल, और यू कैन कीप अ शुगर केन जूस। आप इस प्रकार की चीज़ें आपने रख दी जो आपके लिए हार्मफुल नहीं है और जो सेम रिवॉर्ड क्रिएट करती हैं, सेम डोपामिन रिलीज करती हैं जब आप उसको पिएंगे। तो अभी क्या हुआ, आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं देना है, क्योंकि आपके ब्रेन का नेचर है दोस्तों, वॉट एवर यू रजिस्ट इट परसिस्ट। फिर से सुनिए, वॉट एवर यू रजिस्ट योर ब्रेन परसिस्ट। जो भी चीज़ के लिए आप रजिस्टेंस दिखाते हैं आपका ब्रेन और ज़्यादा उसे करना चाहता है। तो अगर आप रजिस्टेंस दिखा रहे हैं कि मुझे शुगर नहीं खानी, मुझे इस क्रेविंग को दबाना है, मैं इस क्रेविंग को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो आप जितना कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आपकी और इच्छा होगी शुगर खाने की। अगर मैं आपसे बोलूँ सफ़ेद हाथी पे बैठे काले बंदर के सर पे लगी लाल टोपी को मत देखो, क्या हुआ, आपने देख लिया। आपका ब्रेन जो मना करने के लिए बोलते हैं वो पहले देखता है। तो जो आप रजिस्ट करोगे वो आपका ब्रेन परसिस्ट करेगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा आपको रात को नींद नहीं आ रही, तो जब आपको रात को नींद नहीं आ रही आप जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे सोचने का, जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे कि मुझे नींद आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, आपको उतना ही ज़्यादा नींद नहीं आएगी, और इनफैक्ट अगर 5-7 मिनट आ भी गई तो उस समय वापस उठ जाएगी। आप जिस चीज़ को रजिस्ट करोगे आपका ब्रेन और परसिस्ट करेगा।
बैड हैबिट्स के साथ में प्रॉब्लम यही है कि लोग उसे विल पावर से जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप विल पावर से अपनी क्रेविंग को, जो शुगर क्रेविंग हो रही है, उसको आप विल पावर से डाउन नहीं कर पाएंगे। आप सिगरेट रोकना चाह रहे हैं, आप विल पावर से उसको दबा नहीं सकते, क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। वो जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी बैटरी चार्ज रहती है और दिन भर बैटरी खर्च होने लगती है। तो जैसे फ़ोन की बैटरी दिन भर खर्च होती है, आपकी विल पावर और आपकी जो एनर्जी है जिससे विल पावर क्रिएट होती है, वो भी दिन भर खर्च होती है। तो पूरे दिन में एक मोमेंट तो ऐसा आएगा जब आपकी विल पावर डाउन होगी और उस टाइम पे आप क्रेविंग को नहीं रोक पाएंगे, चाहे वो मीठा खाने की क्रेविंग हो, चाहे वो सिगरेट पीने की क्रेविंग हो। इस वजह से जो लोग विल पावर का यूज़ करते हैं, वो लोग कभी अपने हैबिट्स को तोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है, दिन भर खर्च होती रहती है। तो आप अगर बार बार अपने आप को कहोगे कि मुझे अपनी क्रेविंग को दबा देना है, शुगर की क्रेविंग को दबा देना है, सिगरेट पीने की क्रेविंग को दबा देना है, तो वो नहीं दबेगी। जब आपका विल पावर ज़्यादा है तब वो थोड़ी देर के लिए तो दब जाएगी, लेकिन थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगी और आप फिर से वो सिगरेट पीने के बिहेवियर में या फिर शुगर खाने के बिहेवियर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप रजिस्ट मत कीजिए, क्रेविंग को आने दीजिए। क्रेविंग आ रही है, रिवॉर्ड भी सेम रखिए डोपामिन, लेकिन आप बिहेवियर चेंज कर दीजिए। तो अब क्या होगा, शुगर खाने के बजाय आप शुगर केन का जूस पी लें या डेट्स खा लें या फिर कोई बनाना ले लें, कोई दूसरा हेल्दी सोर्स ऑफ शुगर आप ले लीजिए जिससे सेम डोपामिन रिलीज होगी और आपको रजिस्ट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो बहुत सिंपल ही होता है। और आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही सिंपल और कॉमन सेंस की बात है, बट कॉमन सेंस इज़ नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस। हमें लोग चाहिए जो आकर के हमें रिमाइंड कराते नहीं, कई बार हमें पता तो होता ही है, पर हमें लोग चाहिए होते हैं जो आकर के हमें कंटिन्यूसली रिमाइंड करते रहें, क्योंकि कॉमन सेंस हमेशा कॉमन प्रैक्टिस नहीं होती है। तो इसको कॉमन प्रैक्टिस बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे कि फाइंड आउट योर ट्रिगर, आपका ट्रिगर क्या है, ट्रिगर कैसे फाइंड आउट करना है मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, रिवॉर्ड आपको ऑलरेडी पता है कि मुझे क्या मिल रहा है। अब आप सिर्फ बिहेवियर अपना बदल दीजिए और आप देखेंगे कि अब आपने नया न्यूरल सर्किट क्रिएट कर लिया। ट्रिगर और रिवॉर्ड तो सेम रखा, लेकिन बिहेवियर आपने नया पाथ, एक शॉर्ट सर्किट पाथ आपने क्रिएट कर लिया, और अब ये नया न्यूरल सर्किट धीरे धीरे बन जाएगा और पुराना वाला सर्किट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेचर का देखिए सिंपल सा नियम है, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट। जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं करते वो धीरे धीरे आप उसे लूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो आप जिम गए, आपने मस्कुलर स्ट्रेंथ बनाई, राइट, लेकिन अब आपने जिम जाना छोड़ दिया तो धीरे धीरे मस्कुलर स्ट्रेंथ चली जाएगी। आपने योगा किया, फ्लेक्सिबिलिटी बनाई, लेकिन धीरे धीरे आप इसको यूज़ करना बंद कर देंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी। दिस इज़ हाउ नेचर वर्क, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू विल लूज़ इट। तो इस न्यूरल नेटवर्क को भी जब पुराने वाले को आप यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और नया न्यूरल सर्किट फायर होने लगेगा। फिर होगा क्या, थोड़े समय में आप जब भी क्रेविंग आपको होगी आप डेट्स लेंगे, हेल्दी फूड लेंगे और उस हेल्दी फूड से नया रिवॉर्ड या फिर जो आपका डोपामिन का रिवॉर्ड था वो रिवॉर्ड आपको मिलता रहेगा और नया न्यूरल सर्किट आपका बन जाएगा, जो कि हेल्दी हैबिट है। एक और जगह इस मॉडल को अप्लाई करके देखते हैं। सपोज सिगरेट के केस में आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट अगर नहीं हैं, तो अगर आप ओकेशनल स्मोकर हैं और आप उसको भी अगर ख़त्म करना चाहते हैं, तो आई थिंक कि वहाँ पे ये फॉर्मूला, ये मेथड, ये मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट मॉडल मैं इसे कहता हूँ। इसमें आप क्या करेंगे, सिगरेट का ट्रिगर देखिए कि आपका ट्रिगर क्या है। जनरली जो ओकेशनल होते हैं उनके अंदर ट्रिगर स्ट्रेस हो जाता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या गुस्सा महसूस कर रहे हैं उस टाइम पे उन्हें लगता है कि सिगरेट पी लूँगा तो मेरा गुस्सा या मेरा स्ट्रेस या मेरा जो एंग्शियसनेस है वो डाउन हो जाएगी। तो देर इज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन बिहाइंड दैट बिहेवियर। हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जब मैं सिखाता हूँ लोगों को तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। हर बिहेवियर की एक पॉजिटिव इंटेंशन होती है। तो आप अगर सिगरेट आपके बिहेवियर में है तो सिगरेट का बिहेवियर इसलिए क्योंकि जब आप सिगरेट पी रहे हैं तो आपका स्ट्रेस, आपकी एंग्शियसनेस और आपकी क्लैरिटी और ज़्यादा आपके अंदर बढ़ रही है। तो बहुत सारी इमोशनल स्टेट्स हैं जो आप चेंज कर रहे हो, अपना मूड चेंज कर रहे हो, तो वो आपके ब्रेन का पॉजिटिव इंटेंशन है कि सिगरेट के बिहेवियर से यू आर गेनिंग। देर इज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन कि आपके ब्रेन को लग रहा है यार ये सिगरेट पीता है इसका स्ट्रेस कम होता है, इसको क्लैरिटी ज़्यादा आती है, इसकी एंग्जाइटी रिड्यूस हो जाती है। तो वो पॉजिटिव गेन है जिसके लिए आप इस बिहेवियर को कर रहे हो। तो हमें बिहेवियर के साथ ज़्यादा पंगे नहीं लेने, हमें ट्रिगर सेम रखा हमने,
रिवॉर्ड सेम रखा और हमने बिहेवियर को बस चेंज कर दिया, नया लूप क्रिएट कर दिया। तो सिगरेट के केस में आप क्या कर सकते हैं, सिगरेट के केस में आप देखिए कि आपका ट्रिगर क्या है। आपका ट्रिगर अगर स्ट्रेस है, ओवरवेलम है, आपका ट्रिगर अगर एंग्जाइटी है, आप एंग्शियस फील करते हैं, आप ओवरलोडेड फील करते हैं, तो जैसे ही स्ट्रेस की फीलिंग आ रही है, आप सिगरेट पीते हैं तो आपको स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, आप काम डाउन हो जाते हैं। अभी आप क्या कर लेंगे, आप सिगरेट को रिप्लेस कर दीजिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग करते हैं उससे भी स्ट्रेस बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है। तो सिगरेट का काम था स्ट्रेस डाउन करना, तो यानी आपने ट्रिगर तो रखा एज इट इज, ट्रिगर आपने खराब नहीं होने दिया, ट्रिगर एज इट इज रखा, रिवॉर्ड भी आपने एज इट इज रखा, यूर फीलिंग स्ट्रेस फ्री। मगर सिगरेट से स्ट्रेस फ्री होने के बजाय आपने नया लूप क्रिएट कर दिया और वो लूप क्या था, ब्रीदिंग। आप ये टेक्निक अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत ही ट्रेमेंडस फायदा मिलेगा। मैं ब्रीदिंग टेक्निक को बोलता हूँ X4X and 2X। जब भी आप स्ट्रेसफुल महसूस कर रहे हैं और आपको सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, तो अब आप सिगरेट से रिलीज करने के बजाय आप X4X and 2X टेक्निक लगा लीजिए। X4X and 2X आपको अलर्ट भी करती है और आपके ब्रेन को ऑक्सीजनेट करती है और आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। ये किस तरीके से काम करती है, एक्स का मतलब इनहेल करते समय आप काउंटिंग कीजिए कि कितनी काउंट तक आप इनहेल कर रहे हैं। सपोज आप 5 काउंट तक इनहेल करते हैं, सपोज आप इनहेल कर रहे हैं और 5 काउंट तक आपने इनहेल किया तो x इज इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पे। अब 4x का मतलब 4 × 5 = 20, 20 काउंट तक आपको होल्ड करना है। x का मतलब इनहेल, 4x का मतलब होल्ड और 2x का मतलब एक्सहेल। यानी कि अगर x इज इक्वल टू 5 है, यानी कि इनहेल करते समय अगर आप 5 काउंट ले रहे हैं तो आपको 20 काउंट तक होल्ड करना है और 10 काउंट तक आपको एक्सहेल करना है। ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत में जो इनहेलेशन है उसे पूरक कहा जाता है, होल्ड जो करते हैं उसे कुंभक कहा जाता है और जो रिलीज करते हैं उसे रेचक कहा जाता है। तो आप 5 टाइम इनहेल करेंगे, मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, आई विल काउंट ऑन माय फिंगर। एंड जब भी आप स्ट्रेसफुल महसूस करें और सिगरेट पीने की इच्छा हो स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, तो आप ये टेक्निक लगा दें। इनहेल करते समय 5 काउंट, फाइव टाइम इनहेल किया, 20 टाइम होल्ड किया और 10 टाइम एक्सहेल किया। इतना आपको करना है और आप देखिएगा कि सिगरेट पीने से जो अलर्टनेस आपको चाहिए वो अलर्टनेस ये करने से वो अलर्टनेस आपको आ जाएगी। जो स्ट्रेस फ्री होने की बात है वो स्ट्रेस फ्री भी आप हो जाएंगे। तो जो भी रिवॉर्ड आपको सिगरेट पीने से मिल रहे हैं वो सारे रिवॉर्ड आपको ये X4X and 2X टेक्निक से मिल जाएंगे। अब आप ये टेक्निक सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आप बैड हैबिट लीजिए और उस बैड हैबिट में आप इस टेक्निक को अप्लाई कीजिए। रिप्लेस करना है बस नए बिहेवियर के साथ, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं करना। प्रोकेस्टिनेशन में कैसे अप्लाई करेंगे, प्रोकेस्टिनेशन में टिगर क्या है कि चल यार अभी नहीं करता बाद में कर लूंगा, और आपका आउटकम क्या, रिवॉर्ड क्या है, कंफर्ट है। तो आपको कंफर्ट और ट्रिगर सेम रखना है, आपको बिहेवियर चेंज करना है। यहाँ पे बिहेवियर क्या था कि आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ करके भी कंफर्ट मिल सकता है। तो आप इस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने आप को ये कहने के बजाय कि चल मैं अभी नहीं करता बाद में कर लूंगा, ये कहने के बजाय आप अपने आप को क्या कहिए कि बस 5 मिनट कर लेता हूं अभी और उसके बाद में 15 मिनट आराम कर लूंगा। जब आप ये बोलेंगे तो आपके ब्रेन में आराम शब्द गया है, उसको कंफर्ट का रिवॉर्ड अभी भी मिल रहा है और आपका जो प्रोकेस्टिनेशन है वो दूर हो जाएगा। ओवरथिंकिंग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जब आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और आप बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चला रहे हैं, उस समय पे आप क्या कीजिए, आप बिहेवियर चेंज कीजिए। बिहेवियर क्या है, ओवरथिंकिंग। ट्रिगर क्या है, कोई भी नेगेटिव थॉट, ओवरथिंकिंग आप कर रहे हैं, और रिवॉर्ड क्या है, ब्रेन को एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैंने कुछ किया। यहाँ पे आप क्या कर दें, नेगेटिव थॉट आया, ओवरथिंकिंग चल रही है, ओवरथिंकिंग अपने मन में सोचने के बजाय एक सफेद पन्ना लीजिए, पेपर लीजिए, पेन लीजिए और हर चीज को अपने पेपर पे लिख दीजिए। तो जैसे ही आप
अपनी थॉट्स को पेपर पे लिख रहे हैं, जो आपका आउटकम है क्लैरिटी मिलना और ब्रेन को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलना, वो सेटिस्फेक्शन भी मिला और बिहेवियर चेंज हो गया, सब कुछ थॉट में रहने के बजाय सब कुछ पेपर पे आ गया। ये है दोस्तों रिप्लेसमेंट टेक्निक। आप हर जगह हर हैबिट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आप चिंता कर रहे हैं, प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं, छोटी मोटी आपकी सिगरेट की अल्कोहल की आदत है जो आप गिव अप करना चाहते हैं, इन सभी जगहों पे आप इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। मैं अब आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा, लेकिन उससे पहले टास्क आज का ये है कि आज आप लिस्ट बनाएंगे कौन कौन सी बैड हैबिट्स आपकी हैं, उसका ट्रिगर फाइंड आउट करेंगे, उसका बिहेवियर फाइंड आउट करेंगे और उस बैड हैबिट का रिवॉर्ड फाइंड आउट करेंगे और फिर आप देखेंगे कि इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि सिगरेट पीने को हमने ब्रीदिंग से रिप्लेस किया, शुगर को हमने शुगर केन जूस या फिर बनाना से रिप्लेस किया, इसी तरीके से ओवरथिंकिंग को हमने लिखने से रिप्लेस किया। तो इसी तरीके से आप ट्रिगर पॉइंट देखिए, रिवॉर्ड पॉइंट देखिए, बिहेवियर देखिए और देखिए कि क्या नया बिहेवियर है जो सेम रिवॉर्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ये लिस्ट आप बनाएंगे अपने असाइनमेंट सेक्शन में, रिसोर्स सेक्शन में आपको पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके इस एक्सरसाइज को कीजिए या फिर आप पेन और पेपर लेके पेन और पेपर पे भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा अगली टेक्निक के साथ। थैंक यू सो मच।